मोबाइल का इंश्योरेंस प्लान या फिर मोबाइल का प्रोटेक्शन प्लान जिसको हम बोलते हैं, वो क्या एक नया फोन लेते वक्त हमें खरीदना चाहिए या नहीं, और खरीदे तो फिर किस वेबसाइट से खरीदे, कहां से खरीदे, और खरीदते वक्त प्लान के अंदर क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या जब भी हम एक नया फोन खरीदते हैं हमें उसके साथ में उसका एक इंश्योरेंस प्लान जिसको हम डैमेज प्रोटेक्शन प्लान भी बोलते हैं वो खरीदना चाहिए या नहीं, क्या जरूरी है वो खरीदना। तो देखो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आपको पता होगा कि आप भाई फोन किस तरीके से यूज करते हो। आपको लगता है कि मेरे पास फोन गिरता बहुत ज्यादा है या फिर मैं अपने फोन की केयर ज्यादा नहीं करता, तो ऐसे में आपको डैमेज प्रोटेक्शन प्लान बिल्कुल लेना चाहिए, आप इंश्योरेंस प्लान भी बोल सकते हो। इसके अलावा अगर आप महंगा फोन खरीद रहे हो तब भी आपको यह प्लान ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो गिर के उसकी स्क्रीन टूटेगी तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। अब दूसरी चीज यह कि भाई हम कहां से मोबाइल का इंश्योरेंस प्लान खरीदे, यानी किस वेबसाइट से खरीदे हम अपने फोन का इंश्योरेंस या फिर कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन प्लान। तो देखो, ये तो मैं आपको क्लियरली नहीं बोल सकता कि जाके भाई उस वेबसाइट से ये वाला प्लान खरीद लो, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि प्लान खरीदते वक्त आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, जब भी आप किसी भी मोबाइल का या लैपटॉप का ऐसे कोई भी इंश्योरेंस प्लान या प्रोटेक्शन प्लान खरीदते हो तो तीन तरह के प्लान होते हैं। पहला डैमेज प्रोटेक्शन प्लान, दूसरा थेफ्ट प्रोटेक्शन प्लान, और तीसरा कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन प्लान होता है। अब इन तीनों के प्राइस अलग अलग होते हैं, कम ज्यादा होते हैं, और इन तीनों की टर्म एंड कंडीशन भी अलग अलग होती हैं। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है एक बार वो जानो। जो डैमेज प्रोटेक्शन प्लान है उसके अंदर अगर आपका फोन गिर के या किसी तरीके से और खराब होता है पानी वानी में जाके, तो कंपनी ठीक करवा के देगी। थेफ्ट प्रोटेक्शन प्लान के अंदर होता है कि अगर आपका फोन चोरी होगा तो कंपनी उसके जो भी पैसे बनते हैं वो आपको देगी। तीसरा कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन, ये प्लान सबसे महंगा पड़ता है। इसके अंदर होता है कि अगर आपका फोन टूटेगा या चोरी भी होगा तो कंपनी उसके पैसे आपको दे देगी। अब ध्यान में रखने वाली बात ये है, जब भी आप प्लान खरीदते हैं तो ये देख लो कि भाई हम खरीद कौन सा प्लान रहे हैं। कभी आप डैमेज प्रोटेक्शन प्लान खरीद लो ये समझ गए कि भाई मेरा तो कंप्लीट प्रोटेक्शन है, चोरी भी होगा तो कोई बात नहीं, तो कल को अगर आपका फोन कहीं पर चोरी हो जाता है और आप कंपनी को फोन मिलाते वो बोलते हैं कि भाई इसके अंदर तो सिर्फ डैमेज कवरेज था, थेफ्ट कवर नहीं था, वो प्लान अलग होता है, तो भाई आपका पोपट बन जाएगा। अब सेकंड चीज जो है वो है टर्म एंड कंडीशंस, यानी नियम और शर्तें। भाई सारा खेल टर्म एंड कंडीशंस का ही है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे। देखो, जब भी आप ऐसा कोई भी प्लान खरीदो मोबाइल फोन का इंश्योरेंस वगैरह, तो उसके नाम पे ना जाए। अगर नाम लिखा है कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन या ऑल मोबाइल कवरेज, इस तरीके का कोई भी नाम लिखा है प्लान के ऊपर, आपको देख के लगे कि हाँ भाई ये तो प्लान बिल्कुल बढ़िया है, इसमें सही है, इसको लेने के बाद मेरा फोन टूटेगा फूटेगा गिरेगा खोएगा कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे भाई ये सोचने की गलती मत कर देना, क्योंकि दिक्कत वही है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी वेबसाइट वाले लोगों को प्लान खरीदते वक्त आधी अधूरी चीजें बताते हैं, पूरी चीजें नहीं बताते। मेरे साथ में ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो, जब आप प्लान खरीदोगे आप इनके कस्टमर केयर को कॉल भी करोगे तो आपको बोलेंगे कि हाँ सर, इस प्लान के अंदर आपका फोन टूटेगा तो कंपनी हम ठीक करवा के देंगे और चोरी होगा तो उसके पैसे दे देंगे, लेकिन पूरी चीज नहीं बताएंगे कि कितने पैसे देंगे। जब आपका फोन कभी चोरी हो जाएगा या टूट जाएगा, बाद में उनको कॉल करोगे सर हमारे फोन के साथ में ये हो गया है, अब आगे क्या करना है, तभी आपके सामने टर्म एंड कंडीशन का चिट्ठा खोल देंगे कि भैया इस टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम आपको 6 महीने बाद इतने पैसे देंगे, या टूट गया तो इतना चार्ज आपको पहले पे करना पड़ेगा, और 36 तरीके की और चीजें आपको बता देंगे जो कि उनकी टर्म एंड कंडीशंस में लिखी होंगी। सारा खेल टर्म एंड कंडीशंस का है। ये आपको बोलेंगे कि सर इस केस में हम इतना देंगे, इस केस में उतना देंगे, फिर आपको लगेगा कि यार हमारे साथ में तो धोखा हुआ है, पहले ये चीजें नहीं बताई थी, फिर आप इनके अगेंस्ट कंप्लेंट वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी टर्म एंड कंडीशंस जरूर पढ़ लेनी चाहिए, जो कि ज्यादातर लोग नहीं पढ़ते, इसलिए मैंने बोला था कि ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई जब भी कोई भी मोबाइल फोन का इंश्योरेंस प्लान खरीदो तो जरूर ये चीजें ध्यान में रखो जो मैंने अभी आपको बताई हैं, क्योंकि ये लोग खरीदते वक्त बताते कुछ और हैं, बाद में होता कुछ और है। तो ये ना सोचे कि भाई अब तो हमने फोन का इंश्योरेंस प्लान ले लिया, टूटेगा फूटेगा खोएगा कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मेरे भाई बाद में दिक्कत हो जाएगी अगर टर्म एंड कंडीशन सही से नहीं पढ़ी तो, क्योंकि सारा खेल उन्हीं का है, मैंने आपको बता दिया है कैसे है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी और तरीके की हेल्प चाहिए तो मेरे को नीचे कमेंट करो, वीडियो सही लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।